हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 को लेकर। फ्रेंड्स, इस टाइम हर जगह टाइगर 3 का चर्चा हो रहा है। हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ कुछ आवर्स की एडवांस बुकिंग में टाइगर 3 ने 2 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। फ्रेंड, अभी हमारे पास टाइगर 3 की मेन स्टोरी लाइन को लेकर इतनी बड़ी अपडेट है कि उसे सुनने के बाद आपका जो 12 नवंबर का इंतजार है कि आप टाइगर 3 फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएं, वो इंतजार और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। अब क्या इसकी स्टोरी लाइन, क्या बड़ी अपडेट मिली है, हम आपको आज इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड, हम सबको पता है टाइगर 3 के जो प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा, जो वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के भी प्रोड्यूसर हैं, उनका एक विजन है कि जितने भी स्पाई कैरेक्टर्स हैं उन्हें एक साथ मूवी में इंटरलिंक कर दिया जाए या स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर दी जाए। फ्रेंड, अब कुछ ऐसे ही आपको टाइगर 3 में होता दिखाई देगा। हमें पता है पठान का कैमियो होना है टाइगर 3 में, कबीर ऋतिक रोशन का कैमियो होना है टाइगर 3 में। लेकिन फ्रेंड, एक और बहुत बड़ी कनेक्शन बना दी गई है टाइगर 3 में। आपको वार मूवी में याद होगा टाइगर श्रॉफ के फादर का बताया गया था कि वो एक गद्दार हैं, वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं। और हमने टाइगर 3 के ट्विटर में क्या देखा है कि इमरान हाशमी एक पाकिस्तानी ISI के ऑफिसर हैं और वो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड, ऐसे में बताया जा रहा है कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में जो टाइगर श्रॉफ हैं उनके फादर का कैरेक्टर प्ले करेंगे। यस फ्रेंड्स, दोनों मूवीज को इंटरलिंक कर दिया गया है। इमरान हाशमी टाइगर श्रॉफ के फादर का रोल प्ले करने जा रहे हैं टाइगर 3 में, जिनका मकसद होगा कि सलमान खान को और उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाए और इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए। फ्रेंड, अब ये अपडेट सुनने के बाद जो वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के फैंस हैं वो और ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे, क्योंकि सारी मूवीज को अच्छा खासा इंटरलिंक किया जा रहा है। ये प्रॉपर इंटरलिंक है, ये प्रॉपर एक यूनिवर्स है, ना कि बाकी यूनिवर्सिस की तरह जहां सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाती है कि यूनिवर्स क्रिएट हो रही है और सिर्फ 1 मिनट का कैमियो होता है किसी एक्टर का। ये प्रॉपर एक यूनिवर्स क्रिएट करना इसे कहते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद मैं पर्सनली बहुत एक्साइट हो गया हूँ टाइगर 3 के लिए, क्योंकि काफी कैरेक्टर्स की इंटरलिंकिंग हमें देखने को मिलेगी। अब आप क्या कहना है आपका टाइगर 3 के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।